प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को एक्सटेंड यानी बढ़ाने के लिए आपको सरकार के तरफ से 10 लाख रुपए की राशि मिल सकती है। सोगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए रोजाना। आप 10 लाख रुपए तक का लोन आसान शर्तों पे ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत तीन तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण लोन। शिशु लोन पहला जो है उसमें जो है आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक का आपको जो है लोन जो है आसान शर्तों पे दिया जाता है। तीसरा जो है तरुण लोन जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का आपको लोन आसान शर्तों पे दिया जाता है। मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको पहले से आसान शर्तों पे लोन मिल जाता है। आपको नहीं तो बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते और नहीं आपको ढेर सारा फॉर्म को या फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है और आपको 59 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको जो है कितने का लोन आपको मिला है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है आप लोन ले सकते हैं। आपको जो लोन मिलेगा वो आपके जो प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपका जो लोन कितने का मिलने वाला है वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। वो आपका टर्नओवर कितना है, आपका टर्नओवर कितना ज़्यादा है और कितना कम है, उस पर भी आपको डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सा लोन मिलने वाला है। सो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जो आपको प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपका जो लोन मिलेगा वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपको जो है इनकम कितना है और आपका टर्नओवर कितना है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको जो है लोन मिलेगा। आपका टर्नओवर जो कम है तो उस हिसाब से जो है आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको लोन मिलेगा। तो आपको 59 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि आपको जो है कौन सा लोन जो है आपको मिलने वाला है। तो आपको जो है कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है ये देखने के लिए इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप यहां देख रहे हैं कि SBI लोन 59 मिनट से भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। जो यहां पर आप देख रहे हैं होम लोन है तो ये 59 मिनट तो आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। या आप यहाँ पे PSBLoan59Minute.com पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क यह है कि अगर आप SBI से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही आप लोन ले पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप PSB लोन से अप्लाई करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ पे और आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आपके जो लोन के जो एग्री होने का चांस आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारा बैंक से यहाँ पे इस जो है PSB से आप लोन ले पाएंगे। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट है, इतने बैंक से यहाँ पे आप जो है PSB से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम PSB लोन 59 मिनट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल रजिस्टर नाउ में ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाने के बाद हमको रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डाल देना है, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके पास OTP आएगा यहाँ पर 6 डिजिट का, वो OTP डाल के यहाँ टर्म पे एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली करेंगे प्रोसीड। यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो मेरे केस में यहाँ पे देखिए आ गया है तो मैं यहाँ पे OTP डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैं OTP डाल दिया हूँ, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आपको OTP चल जाएगा तो आप वहाँ से भी यहाँ डाल सकते हैं, दोनों का जो OTP सेम ही रहता है। सिंपली यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेना है, आप अपना न्यू पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पासवर्ड को दोबारा से कन्फर्म कर देंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट दे रखा है कि आपको 8 करेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए,
एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई एक स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई एक नंबर होना चाहिए। इसके बाद इसमें डाल के सिंपली यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं पूरा पासवर्ड डाला, यहाँ पूरा टोटल ग्रीन हो चुका है। तो आपको इसी तरह से डाल के सिंपली यहाँ प्रोसीड वाले पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बोल रहा है पासवर्ड को सेव करने के लिए या नेवर, चलिए मैं यहाँ से नेवर कर देता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, डन भी कर सकते हैं, तो जो भी करना है आप यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से आपके पास दो ऑप्शन आ चुका है। आप अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर सिंपली यहाँ से क्लिक करके यहाँ भी आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुका है, कि बिजनेस के लिए, एक पर्सनल के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा न्यू अपडेट हुआ है। यहाँ से देख रहे हैं MSME, वर्किंग कैपिटल, टर्म लॉगिन या मुद्रा लोन, या यहाँ पर देख रहे हैं पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस लोन के लिए यहाँ MSME, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन एंड मुद्रा लोन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम बिजनेस वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये एग्री हो चुका है। यहाँ वो एग्री होने के बाद सिंपली यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि आपका अपना जो प्रोफाइल नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पैन जो नंबर है वो आपको पैन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जो यहाँ नीचे देख रहे हैं कि पैन टू वेरीफाई कंपनी डिटेल, तो आपको यहाँ पैन नंबर डाल देना है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा जो पैन है वेरीफाई हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, बोला है कि आपका आपके पास GST नंबर है, अगर है तो इसमें से चूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, वो रीजन यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ सिंपली प्रोसीड पर ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पर डाल देना होगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मंथली सेल कितना है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पर पूरा फिलअप करके यहाँ मंथली डेट वगैरह चूज कर लेना, जैसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर आ गया, सिटी, स्टेट, कस्टमर नंबर है, जो भी कितना कस्टमर वो डाल देना है। यहाँ जो हाईएस्ट सेल आपको कितना हो रहा है वन कस्टमर से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर कितना इनकम हो रहा है आपका पर मंथ, तो 19-20 में कितना हुआ, ये टोटल आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर सीट पे ओके कर देना है। देख रहे हैं कि मेरा जो GST डिटेल है वो फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न, तो सिंपली यहाँ कंप्लीट डिटेल पर ओके कीजिएगा। यहाँ पर आपका पूरा जो ऑप्शन ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अपना बहुत सावधानी से आपको यहाँ फॉर्म फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना ITR अपलोड करना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ फिल किया है कि मैंने चूज किया था कि मैंने ITR फिल किया है, तो यहाँ पर उसका डिटेल भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसको यहाँ देख रहे हैं कि अपना 18-19 का अपलोड करेंगे, यहाँ 2017-18 का अपलोड करेंगे, यहाँ 16-17 का यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट टू फाइल पर ओके करेंगे। जहाँ भी आपका फाइल है उस फाइल को यहाँ सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो इस तरीके से फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देना है। यहाँ पर आपका फाइल ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से अपना जो भी है ITR वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद सिंपली अब यहाँ प्रोसीड वाले पे ओके कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों सालों का अपलोड करें, सिंपल आप एक भी ही अपलोड कर सकते हो। इसको अपलोड करके यहाँ पे प्रोसीड पे ओके कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ITR फाइल नहीं करते हैं तो अपना यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल देनी होगी, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, इसके बाद परमिशन नंबर, स्टेट, लैंडमार्क, इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेना है। और नीचे आपको इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 17-18 में कितनी आपको सेल्स हुई है, 18-19 में कितनी सेल हुई है, 19-20 में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोजेक्ट का टोटल यहाँ पे आपका, और 20-21 का कितना है तो वो टोटल यहाँ पर डाल देना है। इसी तरह नेट प्रॉफिट लॉस कितना है वो डाल देना है, इन्वेस्टरी यहाँ पर डाल देना है, डेवेस्टर यहाँ पर डाल देना है, क्रेडिट यहाँ पर डाल देना है, इन्वेस्टमेंट नेटवर्क या टोटल सेलेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल लेबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी का डाल डिटेल जरूरी नहीं है, 19-20 और 20-21 का आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इनकम डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप कुछ आपका ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका बोल रहा है कि बैंक का स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो जिसके लिए आप यहाँ पर अपना जो बैंक है वो यहाँ से जाके अपना बैंक चूज कर लेंगे कि आपका कौन सा बैंक है, तो किस बैंक का आप स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हम HDFC बैंक करेंगे तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे HDFC बैंक का, तो किस मंथ और ईयर से आपका जो स्टेटमेंट वो यहाँ से मंथ यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी है तो यहाँ से चूज कर लेंगे, और ईयर यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि कौन सा ईयर से है।
इसके बाद सिंपली अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए मेरा और कैश में आ गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप इसको सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से एक से ज़्यादा भी बैंक स्टेटमेंट पेमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हो। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में पासवर्ड लगा हुआ तो पासवर्ड यहाँ डालेंगे, मेरे केस में नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालूंगा। यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है सबमिट। तो बैंक स्टेटमेंट जो है आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर आप इसको जो स्टेटमेंट नहीं अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐड बैंक अकाउंट, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका देख रहा कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ अकाउंट डालेंगे कौन कौन से कौन ईयर से कौन मंथ तक का है, यहाँ जो है अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ जो है अकाउंट फॉर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और IFC यहाँ पे कोड डाल के सिंपली यहाँ कर देंगे प्रोसीड पे ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी GST, अब यहाँ से मेरा GST इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट पूरा ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर लोन, इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर ओके करेंगे। आपके पास कुछ इस तरीके से ये जो लोन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर न्यू लोन, तो सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर न्यू लोन पर हम ओके कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि अप्लाई नाउ, चलिए हम ओके कर देते हैं। अब 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, आप इस तरह से इसको लोन का करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे एग्री पे करके यहाँ एग्री कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, आप पर भेड योर डाटा आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपका कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से सिंपली हम डिटेल पर ओके करेंगे और इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो बिजनेस डिटेल है ये ओपन होकर आ चुका है। तो सिंपली आप यहाँ से जो डिटेल वगैरह को फिलअप कर लेंगे, जो भी फिलअप करना था। यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट डिटेलमेंट यहाँ पर ऑप्शन होकर आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल आ चुका है। यहाँ विलेज चूज कर लेंगे, जहाँ से भी आपका विलेज है तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट इसमें चूज कर लेना है, और इंडिया कंट्री आ चुका है, स्टेट आ चुका है, सिटी आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट वर्कर कितना वो यहाँ से चूज कर लेना है, ऑप्शन सिंगल कितना है, ईयर और मंथली वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद पर्सनल यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोकल रॉ मटेरियल के लिए ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से पूछ रहा है क्या आपका लोकल एक्सेस है लेबर पर, रॉ मटेरियल पर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चूज कर लेंगे कि यस यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ से आपको चूज करना है कि बिजनेस एक्टिविटी कैसी है। तो यहाँ से हाई है, एवरेज है, मार्जिन है, चलिए हम यहाँ पे एवरेज चूज कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई पेंशन या कोई इंश्योरेंस ली हुई है, अगर ली हुई है तो आपको इसमें से चूज कर लेना है। चूज कर लेंगे कि आप किस स्कीम के तहत ली हुई है, अगर आपने नहीं ली हुई है सिंपली आई डोंट नो नो हैव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोप्राइटर डिटेल का आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर क्लिक यहाँ पर चूज कर लेंगे, अगर इसमें जो भी है सिंगल प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ से हम अपना टाइटल चूज कर लेंगे, जो भी है मिस्टर मिसेस जो भी है, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको चूज कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसका मोबाइल नंबर, यहाँ पैन नंबर, एजुकेशन स्टेटस, और यहाँ दोनों टोटल एक्सपीरियंस और नेटवर्क NCR। इस तरीके से आपको यहाँ पूरा जो डिटेल फिल कर देना है, स्टेट नंबर, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ देख रहे हैं कि वर्चुअल इमिग्रेशन, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, तो जो भी है यहाँ से यस नो करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सिलेक्ट मेन पार्टनर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टनर के लिए जो चूज करना पड़ेगा, यहाँ आपका अपना घर है तो अगर है तो यहाँ पर चूज कर लेना है। यहाँ पूछ रहा है कि इनकम टैक्स के लिए एक्सेस है कि नहीं, तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसको यहाँ बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं, यहाँ पे चूज कर लेंगे। ID प्रूफ में आपको क्या देना है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट चूज कर लेंगे, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट है, यहाँ मैरिड स्टेटस डालेंगे, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको इसको तरह से डाल देना है। अब यहाँ पे आपका जो बोल रहा है स्पाउस पत्नी का डिटेल डालने के लिए, तो नोट एम्प्लॉयड, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा वगैरह है, अगर नहीं है तो यहाँ सिंपली टाइप कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप सेम एड्रेस पर रह रहे हैं, अगर रह रहे तो यहाँ, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो एड्रेस है प्रोविडेंस इन ID प्रूफ के अगेंस्ट है, तो यस करेंगे, यहाँ नो कर देंगे। यहाँ बोल रहा है कि मुद्रा लोन के लिए आप पहले कभी किए हुए हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ नो कर देंगे।
यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। या आपको बोल रहा है कि यहाँ कैटेगरी आपको चूज करने के लिए जो भी कैटेगरी है तो वो यहाँ से आपको सिंपली चूज कर देना है। इसको यहाँ सिंपली करना है प्रोसीड वाले पे ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है, आपकी डिटेल सबमिट हो रही है, आपको कुछ वेट करना होगा। इस तरीके से आपके सामने ये कुछ इस तरीके से ये पेज आ जाएगी, यहाँ देख रहे हैं। तो आपको सिंपली कंप्लीट डिटेल पे ओके करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ कंप्लीट डिटेल पे ओके कर देते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि हैव यू एनी एसोसिएट, हम यहाँ नो पर क्लिक करके यहाँ सिंपली प्रोसीड पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। आप देखें कुछ ऑप्शन इस तरीके से आ गया है, वन फॉर्म यहाँ बोल रहा है कंप्लीट डिटेल पे हम ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी, जैसे इंडस्ट्री आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। यहाँ पर चूज़ करना होगा कि किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। यहाँ से आपको अपना सेक्टर चूज कर लेना है कि सेक्टर क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब सेक्टर आपको इसमें से चूज कर लेना है। और यहाँ पे अपना एमएससी मेरे स्टेशन नंबर है तो यहाँ पे आपको डाल देना है, नहीं है तो इसको आपको इसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देना है। आपके पास बोल रहा है तो उद्योग आधार मोमेंटेड नंबर है तो यहाँ पर डाल देना, नहीं तो इसको आपको इसे छोड़ देना है। कितना लोन आपको चाहिए वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं कि कितना आपको लोन चाहिए। इससे पहले लोन पर जाने से पहले यहाँ पे आप जो है यह मार्केट एग्रीमेंट यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो भी है तो हम यहाँ पर नो चूज रहते हैं। मार्केट बिजनेस पर्पस क्या है तो जो भी है यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ बोला है कि आप खुद हैं, रेंट पे हैं या लीज पे हैं, तो जो भी है तो या अपना जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लोन डिटेल देना पड़ेगा कि आपको पर्पस ऑफ लोन, आप लोन ये क्यों लेना चाहते हो, आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे वर्किंग कैपिटल है या असेसमेंट क्वेश्चन है तो जो भी है यहाँ पर डाल देना। इसके बाद आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना। यहाँ पर आप कुछ हाइलाइट भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 से 10,00,000 तक का आपका लोन यहाँ मिल सकता है। जितना भी है लेना आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको डालना है, मतलब कि इसमें आपको जितने भी जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको कितना खर्चा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको डाल देना है क्या आप काम करते हैं और क्या आप करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसको आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि मंथली सेल एक्सपेंडेड डिटेल कितना है आपका, तो यहाँ पर दे रहा है कि मंथली को रॉ मटेरियल में कितना अमाउंट लगा वो यहाँ दे देना है। यहाँ बता रहा है कि मंथली कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना है वो देना है। यहाँ ड्रॉइंग एंड कस्टमर डाल देना है। तो इसी तरीके से आपको कोई यहाँ पर पूरा फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर देखें मंथली जो रुपीस है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लोन डिटेल आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि किस गवर्नमेंट अथॉरिटी के आप अंदर रजिस्टर है, अगर GST उद्योग आधार, तो अगर किसी के अंडर आप रजिस्टर नहीं है तो आई एम नॉट रजिस्टर पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि आपका कोई ड्रग लाइसेंस है तो हम यहाँ पर नो, यहाँ बोल रहा है कि स्टेटरी ड्रग पेंडिंग है तो नहीं, यहाँ सिंपली प्रोसीड ओके कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लोन एप्लीकेशन के लिए यहाँ आपका ऑप्शन आ चुका है। आपके पास कुछ इस तरीके से अप्लाई फॉर न्यू लोन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपका पूरा जो लोन कोड है वो आपका ये हो गया, यहाँ लोन टैप हो गया, यहाँ जो अमाउंट हो गया वो हो गया, बैंक कैमरा हो गया, एप्लीकेशन डिटेल हो गया। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ सिंपली अप्लाई नाउ पर हम ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखा रहा था गो इन एप्लीकेशन और यहाँ पर देखिए कंप्लीट लोन एप्लीकेशन, तो मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन कोड यहाँ पर आ चुका है, लोन टैप अमाउंट जो मैंने डाला वो आ गया है, बैंक नेम यहाँ पर आ गया है, एप्लीकेशन जो है मार्केटिंग प्लेस और ब्रांच जो है यहाँ पर आ गया है, स्टेटस देख रहे हैं कि एलिजिबल है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कैसे अप्लाई किया जाता है। ये जो है आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका टर्नओवर कैसा है, उसी के हिसाब से आपको 59 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाता है कि आपको जो है कितने का लोन मिलेगा। सो आई होप की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।